एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज चल रहे हैं दादी के घर पे। आज रात की ना 9:30 से स्टार्ट है, तो फिलहाल तो मैंने घर के लिए निकल। ये सही है यार, राखी कभी 9:30 कभी कल, लास्ट टाइम भी लास्ट ईयर भी ऐसा ही हुआ था, तो भद्रकाल लग रहा था। तो अभी सुबह 8:30 तक मैं मतलब अर्ली मॉर्निंग में राखी बांध दूंगी, और तबीयत ख़राब होने की वजह से मैं बार बार मेरे को सांस लेने में भी प्रॉब्लम हो रही है, पर ठीक है, घर तो जाना ही है। और ये पापा के दोस्त हैं जो मुझे जानते हैं, तो इससे मुझे सफ़र करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, तो ये लोग संभाल लेंगे। और ये मैं अपने कंपार्टमेंट में इंजॉय करती हूँ गाने के साथ, देखते हैं। अंकल एक बार और बोला। अरे भाई क्या बताऊं मैं, ये वाले भैया को तो मेरे पापा जानते हैं ना, मतलब ये वाले भैया मेरे पापा को जानते हैं। क्या नाम है भैया? हाँ सुदीप। सुदीप, और आपके विनोद पति ना पापा को बोलूंगी जाके। तो फाइनली मैं सिवा ढाबा पे पहुंच चुकी हूँ, क्योंकि यहाँ से मुझे परचेज़ करनी होती है अपने लिए चाय। बाकी लोगों का मुझे पता नहीं, पर मुझे माँ और पापा खाना दे देते हैं, तो फिर मुझे रास्ते में लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आज उन्होंने पूड़ियाँ और शाही पनीर की सब्ज़ी पैक की, मतलब ऐसे कोई सफ़र में जाते हैं मैं। थैंक यू सो मच इतना सारा ख्याल रखने के लिए मेरा। और बाकी यहाँ चलती हूँ, मैं चाय परचेज़ कर लूँ, तो चाय भी मुझे लेने जानी भी, क्योंकि जो अंकल चाय आ जाएगी मेरी, और मैं बस देख रही हूँ कि कौन कौन क्या खाता है। जब ऐसा कोई ब्लॉगर जाता है तो लोग देखते हैं अपनी बोतल छुपाने की कोशिश करते हैं कोई कुछ भी। चलो और इसके बाद सीधा घर पे मिले। तो फाइनली मैं घर पे पहुँच चुकी हूँ, और मुझे लेने के लिए आए मेरे से छोटे वाले भाई साहब, जिनको कैमरा बिल्कुल भी पसंद नहीं है। बहुत कम टाइम पर होता है कि इनको मेरे ब्लॉग में आना होता है, तो ये बस दी आप ही रिकॉर्ड कर लो। और मेरे घर के पीछे का व्यू, ये पीछे मेरा स्कूल है जहाँ मैंने अपनी सारी स्टडी और पढ़ाई की है। और फटाफट से मैं घर पहुँचने वाली हूँ, यहाँ मुझसे वेट नहीं होता मम्मी से मिलने से। तो ये हम पहुँच गए घर, और घर पे मेरी काली और भूरी बंदी हुई है, और इनको कुछ खाने के अलावा कुछ नज़र नहीं आता है। और इनके पास अगर कैमरा ले जाओ तो ये आपके पास मुँह उठा के पूछते चली जाए यहाँ से, वरना मार दूँगी मैं तेरे को। बता रही हूँ मैं बंदी हुई है, पर मैं तुझे मार दूँगी। तो बस मैं और इनके जो बच्चे साल हैं वो यहाँ बैठते, क्योंकि उनको बिल्कुल भी अपनी माँ पसंद नहीं है, वो अपने आप में ही खुश रहते दोनों भाई। भैंस मेरे को दूनी होती है, जो मैंने आज तक काम नहीं कर पाया, तो मेरा सबसे छोटा वाला भाई भैंस का दूध निकाल रहा है। और मैं ये झगड़ा करती हूँ कि मैं दूंगी, बट मैंने आज सोचा है कि मैं इसका दूध दूंगी, इसका तो आज दूध मैं ही निकालूंगी। पर ऐसा ख्वाब मेरा मम्मी ने 2 सेकंड में तोड़ दिया। थोड़ा सुबह से बुखार, राखी सेलिब्रेशन हो गया है, क्योंकि ऐसे ही हुआ है सुबह से बुखार को। अब जाके हमारे यहाँ के ब्लॉग तो ये लोग कंटिन्यू नहीं किए, जितना आया है ये बहुत कम हुआ है, क्योंकि राखी भी मैंने कोई मान ली। मिलता है नेक्स्ट ब्लॉग में, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। तब मैं ठीक होती है तो बनाती हूँ, कल से ही था बट आज तो ऐसा हो गया कि सुबह से आकर नहीं बनी, पता नहीं कल मुझे शायद बस ये हो कि हाँ ठीक हो जाएगी। तो सबने सुबह से भी नहीं हुई है, तो छत्ता थोड़ा सा ब्लॉग में बता दी हूँ कि हाँ देखो जमीन की नहीं खा, जमीन की तो देखो देखो देखो, जो जमीन की खाओ, है जो जमीन में रखी है तो वो खाना, ए जमीन की खाओ पूरे। तुम कितने रईस हो तुम? हाँ इधर सुना, मम्मी ने ये नहीं बचाने के लिए जो जमीन को जुखा चलो जुखा पकड़ो जुखा जू खाओ, मम्मी नहीं दी है जू खाओ जू आदमी है ना, ले ले खाए ले बुरे खाए ले मम्मी खवा रही खाए ले 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 खाए ले बुरे खाए ले बारे बुरे मम्मी को लाड़ पे चाहिए है।